नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार के स्फीयरल लोगो डिजाइन कैसे ड्रॉ करें। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे एक सर्कल, कंट्रोल के साथ हमें सर्कल को ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर पे हमें क्लिक करना है और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको लेके हमें यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ से हम रोटेट पे आएंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसको कंट्रोल आर प्रेस करके इस प्रकार से सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद अब यहाँ से लेंगे हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से हम इस वाले पॉइंट्स को इस प्रकार से डिलीट करेंगे। इस प्रकार से डिलीट करने के बाद यहाँ से लेंगे हम स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल से हमें यहाँ पे क्लिक कर देना इस प्रकार से और इस शेप को हम बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से पूरे शेप को हमें डिलीट कर देना है। शेप के सेंटर पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉइंट है इसको लेके हमें यहाँ पे सेट कर देना है। पॉइंट को सेट करने के बाद इसको हल्का सा इस प्रकार से रोटेट करेंगे और कर देंगे कंट्रोल आर। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद शेप कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से बनने के बाद शेप को हम सिलेक्ट कर लेंगे और आउटलाइन से नो आउटलाइन पे राइट क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे हम रेड कलर। रेड कलर करने के बाद सिर्फ इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हल्का सा और रोटेट करके इसको कर देंगे ब्लैक कलर और इसको कंट्रोल पेस्ट डाउन कर देंगे इस प्रकार से। तो शेप इस प्रकार से सेट हो जाएगी। पूरे शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको हल्का सा शिफ्ट के साथ बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारी स्फीयरल लोगो डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।